अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू डिवाइस के बारे में और नाम भी हमारे लिए काफ़ी कंपनी जो है वो काफ़ी न्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले शायद आपने इसका नाम ना सुना होगा। वो हमारे पास मौजूद है यूले फोन नोट 12P के नाम से। और ये देखें दोस्तों, काफ़ी अच्छी ब्रांड है जिसमें आपको स्मार्टफोन काफ़ी हैवी के देखने को मिल जाते हैं और इनकी जो प्राइसेज होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। ये डिवाइस काफ़ी पावरफुल के साथ साथ आपको स्पेसिफिकेशन एक अच्छी प्रोवाइड करेंगे और दोस्तों इसके डिजाइनिंग अंदर काफी हमें लुक देती है, काफी अच्छे डिजाइन के साथ साथ हमें जो इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं वो एक अलग देखने को मिलते हैं, सभी ब्रांड से अलग देखने को मिलते हैं। लेकिन हम यहां पर यूले फोन नोट 12P के अंदर जो चीजें देखेंगे और स्मार्टफोन को पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया जाना है और कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाएगा, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी दोस्तों आगे कुछ भी नहीं कहेंगे, इससे पहले हम वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के, तो स्मार्टफोन के अंदर जो डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है वो 6.55 इंच का देखने को मिलता है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है। इससे पहले मैं आपको इस स्मार्टफोन के तीन कलर्स बता दूं, जो कि तीन कलर के अंदर ये डिवाइस देखने को मिलेगी, जो कि ग्रीन के अंदर देखने को मिलेगी, रेड के अंदर देखने को मिलेगी और तीसरा कलर हमें ब्लैक के अंदर देखने को मिल जाता है। अब यहां पर दोस्तों एक चीज क्लियर है कि स्मार्टफोन में हमें तीन कलर देखने को मिलेंगे, तीन डिजाइनिंग के अंदर यह डिवाइस देखने को मिलेगी। और यहां पर दोस्तों बात करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले टाइप की। दोस्तों स्मार्टफोन में हमें IPS LCD का पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि पैनल काफी हद तक बेहतर ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मल है, इतनी हाई लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली आपको पैनल दिया गया। लेकिन स्मार्टफोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। यह मान लीजिए कि स्मार्टफोन में जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है एक अच्छी वैल्यू देने वाला होगा, गेमिंग के अंदर भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब यहां पर मैं इस चीज से काफी एग्री हूं, काफी हद तक एग्री हूं कि यार स्मार्टफोन के अंदर जो रिफ्रेश रेट है ये काफी हद तक अच्छा दिया गया। और ये स्मार्टफोन जो टारगेट कर रहा है वो अपने कैमरे को टारगेट कर रहा है और यहां पर बैटरी को टारगेट किया जा रहा है और खास तौर पर रैम को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। अब यहां पर दोस्तों स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस की बात करें, तो स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन स्मार्टफोन में जो चिपसेट है वो मीडियाटेक हेलियो P95 का चिपसेट है, जो देखा जाए तो एक नॉर्मल चिपसेट, लेकिन आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस एक अच्छी ही वैल्यू देगा, एक गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर एक अच्छी वैल्यू देने की कोशिश करेगा। और स्मार्टफोन में आपको जो स्लो स्पीड हो जाती है स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन उस तरह का आपको रीजन नहीं देखने को मिलेगा। और यहां पर दोस्तों एक चीज और भी है कि स्मार्टफोन के बैक साइड पे आपको क्वाड सेटअप कैमरा देखने को मिलता है और स्मार्टफोन का जो मेन सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलता है, सेकंड में 8 मेगापिक्सल, थर्ड में 2 मेगापिक्सल, लास्ट भी 2 मेगापिक्सल के अंदर आ रहा है। लेकिन यहां पर यूले फोन वालों ने एक गलती की है कि स्मार्टफोन के बैक साइड पे हमें ट्रिपल सेटअप कैमरा दे देते लेकिन हमारी सेल्फी को इंप्रूव कर देते, लेकिन हमें 8 मेगापिक्सल के अंदर सेल्फी देखने को मिली है। यकीनन दोस्तों जो हमें सेंगड वाला कैमरा 8 मेगापिक्सल के अंदर आ रहा है, जो लास्ट के दो कैमरे वो 2 मेगापिक्सल के हैं, वो वहां पर ही रहते, लेकिन ट्रिपल सेटअप कैमरा मतलब सेंगड को हटा के 8 मेगापिक्सल इसके साथ सेल्फी के साथ लगा दिया जाए तो वो 16 मेगापिक्सल बनता। लेकिन यहां पर दोस्तों यूले फोन वालों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बस मुझे एक ही चीज अच्छी नहीं लगी, वो यही है कि वो आपको सेल्फी इंप्रूव नहीं करके दे सके। और यहां पर दोस्तों एक चीज और भी है कि स्मार्टफोन में आपको दो वेरिएंट है, 6 के साथ 128 GB, 8 के साथ 256 GB, बाकी और दूसरे एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन दो एस्पेक्ट है कि हमें यही देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन में एक और भी चीज अच्छी नहीं लगी, वो 10W की फास्ट चार्जिंग है, जो इतने खास नहीं देखने को मिली। लेकिन अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, स्मार्टफोन की प्राइस जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर होने वाली है वो 40,000 के अराउंड होने वाली है, लगभग देखा जाए तो हमें 35,000 के अराउंड ये डिवाइस देखने को मिल जाए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी। लेकिन यह स्मार्टफोन हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मुश्किल से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ब्रांड के अभी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक मतलब देखा जाए डिवाइस लॉन्च नहीं होती। लेकिन यह डिवाइस हमें देखने को मिलेगी जरूर, लेकिन बहुत टाइम के बाद। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बाय करना चाह रहे हो तो फिर इंपोर्ट करवा सकते हो। बाकी अभी यह पाकिस्तानी मार्केट मतलब एक ऑफिशियल अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट के अंदर यह डिवाइस लॉन्च नहीं की गई। और एक बात और कहता चलूं कि स्मार्टफोन की जो इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस है वो मतलब 16, 17, 18, 19 हजार के नीचे देखने को मिलेगी, 18,000 से नीचे देखने को मिलेगी और इसी के अराउंड ये डिवाइस देखने को मिलेगी। और इंडिया के अंदर दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें जो है वो जून मतलब यहां पर
जुलाई के अंदर देखने को मिल जाएगी ये डिवाइस, जो कि ऑफिशियल इसकी लॉन्च डेट है। बाकी अगर एस्पेक्ट नहीं है कि स्मार्टफोन की लॉन्च डेट क्या है, बाकी पाकिस्तान में तो पता ही आपको कि ये डिवाइस हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी नहीं देखने को मिलने वाली। बाकी दोस्तों इस डिवाइस के बारे में कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन थी जो कि काफ़ी आपको अच्छी लगी होंगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।